नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोभित यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ब्लैकमेलिंग हो जाती है, वो वीडियो कॉल के शिकार हो जाते हैं या कहीं भी वो अपनी गलती कर देते हैं, तो उस गलती करने के बाद या वीडियो बनने के बाद या फिर उसके बाद स्कैमिंग, ब्लैकमेलिंग करने होने सब कुछ, इसके दौरान कहीं ना कहीं व्यक्ति को मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप साइबर सेल में कंप्लेंट करें। ठीक है, साइबर सेल में कंप्लेंट करने के बाद जो है वो लोगों को डर रहता है कि सर पुलिस तो नहीं आएगी हमारे घर पर, कहीं हमसे पुलिस पूछताछ तो नहीं करेगी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप साइबर सेल में कंप्लेंट करते हैं तो आपके घर पर पुलिस आएगी या फिर नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस से डरते हैं, कंप्लेंट करने से डरते हैं, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हमारी जो बातचीत है वो कहीं दूसरे लोगों तक पता न लग जाए। तो आज मैं आपके मन का जो डर है वो आज ही इस वीडियो के माध्यम से निकाल दूंगा और आप हमेशा के लिए सुरक्षित भी रहेंगे। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी वीडियो कॉल स्कैम, इसका दूसरा नाम है हनी ट्रैप, अगर हुआ है तो आपको साइबर सेल में कंप्लेंट करनी चाहिए। अब ये हनी ट्रैप होता क्या है वो भी बताऊंगा आपको। हनी ट्रैप मतलब कोई एक सुंदर लड़की जो है वो आपको वीडियो कॉल करे और वीडियो कॉल करने के बाद जो है फिर आपको आपके साथ ऐसी कोई हरकत कर दे जिस हरकत को देखकर आप भी शर्मनाक हो जाएं, और अगर आप ही का वीडियो बना ले और बनाने के बाद कहीं दूसरे लोगों तक भेजने की धमकी दे या फिर उनको भेज दे। उसके बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वीडियो बनने के बाद, यानी कि आपके पास तरह तरह के कॉल आते हैं कि मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, ऐसे कई प्रकार के अगर आपके पास में कॉल आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ब्लैकमेलिंग के चंगुल में फंस गए हैं। अब आप स्टार्ट होता है धीरे धीरे इसका प्रोसेस कि आप इतना पैसा दीजिए, आपके घर पर टीम आ जाएगी, आपके आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने ऐसी होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो अगर आपके सामने हो रही हैं और उसके बाद आपको डर लग रहा है कि मैं क्या करूँ, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप उन लोगों से बचें और गवर्नमेंट की तरफ यानी कि साइबर सेल में आप इसकी कंप्लेंट करवाएं, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो नुकसान है वो भी ख़त्म हो जाए और आपके साथ में जो ब्लैकमेलिंग हुई है वो ब्लैकमेलर्स भी गिरफ्तार हो पकड़े जाएं। अब इस ब्लैकमेलिंग में के दौरान आपसे जो पैसा मांगा जाता है तो वो आप पैसा देने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डर जाते हैं और पैसा दे देते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप जो है वो पैसा बिल्कुल भी ना दें। अगर आप पैसा देते हैं तो बात वही आ जाएगी कि एक कुत्ते को हड्डी डालने का काम, यानी कि उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपके लिए बार बार काट रहा है, बार बार भोंक रहा है और आप उसको सामने पैसा दे रहे हैं, हड्डी डाल रहे हैं, तो आप ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। अब रही बात कि अगर मान लीजिए सर कि हम फंस गए, अब हमारा वीडियो भी बन गया, तो हम अब करें तो क्या पुलिस घर पर आएगी? साइबर सेल में कंप्लेंट करते हैं तो क्या पुलिस घर पर आएगी? देखिए, सबसे पहले आपके लिए अगर पुलिस का डर है तो उस डर को मन से निकाल दीजिए। उसका कारण बताता हूँ आपके लिए क्या है। जो वीडियो कॉल स्कैम हुआ है उसमें मैं कहता हूँ 95% लोगों की गलती नहीं होती है, वो गलती करवाई जाती है। तो आपको ये अपने आप से पहले प्रश्न पूछना है कि क्या इस ब्लैकमेलिंग में, इस वीडियो कॉल स्कैम में मैं फंस तो गया हूँ, लेकिन क्या इसमें मेरी गलती है? अगर आपकी गलती है, यानी कि गलती का मतलब कि आपने अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया, बॉडी पार्ट दिखा दिया, या आपने स्वयं उसको वीडियो कॉल किया, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलती आप भी कर रहे हैं उसमें। और अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं तो आपको सुरक्षित करने के लिए एक ही रास्ता है, साइबर सेल। और दूसरा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपने कोई गलती नहीं करी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ कोई गलती नहीं होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी इस ब्लैकमेलिंग फंस जाते हैं, तो ऐसे समय पर आपको तुरंत तत्काल पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बात बतानी कि साहब मेरे साथ में इस तरीके का एक अनजान नंबर से एक वीडियो कॉल आया, मैंने उसको रिसीव कर लिया और उसने मेरा वीडियो बना लिया और अब उसको वीडियो को वायरल अपलोड करने की धमकी दे रहा है। तो आप वो नंबर्स, जिस नंबर से आपके पास कॉल आ रहे हैं वो नंबर्स पुलिस को प्रोवाइड करें, और जिस व्यक्ति ये जिस लड़की ने आपके पास कॉल करी है वो कॉल नंबर उसको पुलिस को प्रोवाइड करें, ताकि पुलिस जो है वो इन सब नंबर्स को ट्रैक करवा सके और साइबर सेल भी इन सब चीज़ों को अपने रिकॉर्ड में रख सकें। तो आपके लिए एक बहुत ही मतलब बचने का अच्छा रास्ता है, यही एक रास्ता है जिससे आप बच सकते हैं। बाकी अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस दौरान इस पीरियड में आपको बहुत डर लग रहा है या फिर आपका मन नहीं कर रहा करने का, तो आप अपने नज़दीकी जो भी साइबर सेल के कोई एडवोकेट साहब हों, वकील साहब हों, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, वो भी आपको बेस्ट गाइड कर देंगे और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। तो पूरा जो कंक्लूजन है वो बात यह है कि घर पर पुलिस आती है या फिर नहीं आती है, तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके घर पुलिस आती है नहीं आती है। पुलिस पहली बात तो आएगी नहीं, इनकेस अगर आती है तो आपको वो अच्छा ही है, क्योंकि आपको वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ करेगी, तो आपको वो बता देना चाहिए कि सर मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद फिर आपको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सब कुछ ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन घटनाएं हो रही है तो उनको ही ट्रैक किया जाता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसी बहुत धन्यवाद।